बांध की वजह से धार जिले में नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यदि बांध के गेट नहीं खोले गए तो धार जिले के डूब प्रभावित क्षेत्र डूबने लगेंगे। राजघाट में नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की हिदायत दे रहा है। वहीं विस्थापितों की भी कई समस्या है। नर्मदा क्षेत्र के आंदोलनकारी भी सक्रिय हो गए हैं। पात्र अपात्र के खेल में जो लोग छूट गए थे वह क्षेत्र को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। धार जिले के निसरपुर के उरी बाघनी के पुल पर नर्मदा का 2 फीट बैक वाटर आ गया है। आपको बता दें कि 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगस्त के महीने में ही निसरपुर के उरी बाघनी नदी का पुल डूब गया है। इस बार 13 मीटर जल स्तर ऊपर है। यह स्थिति गुजरात में आई बाढ़ के साथ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की 2 सहायक नदियों पर बने बांध के भरने के बाद बनी है। निसरपुर के मछली बाजार एवं निचली बस्तियों में पानी ने दस्तक दे दी है। डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। प्रशासन भी अलर्ट पर है। निसरपुर में 128.50 मीटर के बाद निचली बस्तियों के लोगों को अपना मकान खाली करने का कहा गया है, लेकिन लोग मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इस डूब प्रभावित क्षेत्र में 5,80,000 का पैकेज किसी को मिला है, किसी को नहीं। पात्र अपात्र के खेल में कई लोग छूट गए हैं और प्रभावित लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में व जिले के आसपास लगातार बारिश हो रही है जिससे नर्मदा के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है जिसके चलते नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन डूब के हर गाँव पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। कुक्षी तहसील के 18 गाँव के 72,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए निसरपुर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं निसरपुर के उरी बाघनी नदी के पुल के एक छोर पर पानी आ जाने से बैरिकेड लगाकर आवागमन को बंद कर दिया गया है। वो उसके पानी लोगों के दरवाजे तक आ गए हैं फिर भी लोग हटने को तैयार नहीं है। इसका कारण एक तो ये है कि एक तरफ सरकार संवाद कर रही है, दूसरी तरफ बारिश का मौसम है, पानी बढ़ रहा है, लोगों के दरवाजे तक आ गया है। इसके बाद भी लोग हटेंगे नहीं, इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि उनको उनका जो हक मिलना बाकी है, जो कि यहाँ पे ये हो रहा है, दो गतिविधियाँ हो रही हैं। एक तरफ क्या है, सारी चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि 370 हट गई, 35 हट गई, लेकिन हमारे जो 192 गाँव हैं उनके लिए भी तो 335 और 370 जैसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, तो उनके बारे में क्यों कोई नहीं बोलना चाहता? क्या कारण है कि इसके लिए कोई बोलना नहीं चाहता? और नीचे अधिकारी के तक ये जो कोई आदेश आते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि आप इतने ही लोग पात्र हो, बाकी अपात्र हो। तो जब 2001 में इन्होंने घर प्लाट दिए थे, मुआवजा दिया था, तो इनके पास आंकड़े नहीं है क्या कि इतने लोगों के अभी पुनर्वास करना बाकी है? ये क्या लोगों से पूछ के करेंगे या शिविर लगाएंगे या दावा आपत्ति लेने की जो बातें हो रही है, तो ये आंकड़े सारे अधिकारियों के पास है कि कितने लोगों को घर प्लाट दिए थे और कितने लोगों को पैकेज दे दिया और कितने लोगों को देना है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि अधिकारियों को थोड़ा सा और बल के साथ ताकत दे उनको कि भाई जो लोग गांव में अभी रह रहे हैं, पुराने गांव में रह रहे हैं, उनको विस्थापन अगर उनका करवाना है तो उनका जो हक है वो उनको दे दिया जाए तो ही वो हटेंगे, इससे पहले कोई हटने वाला है नहीं। ऐसे भी कई सारे परिवार सामने आए हैं जिनका नाम तक ATR सूची में नहीं है, ये बात क्या सही है? बिल्कुल, ऐसे कई परिवार हैं जिनके ATR में नाम नहीं है, तो ये किन की गलती है? ये भी NVDA की गलती है, NVDA के अधिकारियों की गलती है। पूर्व की सरकार में जो हुआ था ये सबसे बड़ी गलती तो पूर्व की सरकार की हम मानते हैं, जिन्होंने आधे अधूरे काम करके छोड़ दिया लोगों को। तो क्यों छोड़ा? पहले 900 करोड़ का डिंडोरा पीट रहे थे, जगह जगह होर्डिंग लगा रहे थे, तो वो होर्डिंग कहाँ गए? अब 900 करोड़ रुपए कहाँ गए? किन किन लोगों को बांटे हैं उनके हिसाब भी देना चाहिए ना पूर्व की सरकार ने, और ये हमारी वर्तमान में जो सरकार है उस उन्होंने इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि 900 करोड़ का पैकेज फिर इन लोगों तक क्यों नहीं पहुँचा, क्यों छोड़ दिए गए इन लोगों को? तो अब तो ये है कि जब तक ये पैकेज नहीं मिलेंगे कोई लोग हटने वाले है नहीं। प्रशासन अगर ज़बरदस्ती हटाती है तो आप लोग क्या करोगे? तो प्रशासन अगर ज़बरदस्ती हटाने की बात करती है तो हम तो जल में पानी में खड़े रहेंगे और जल सत्याग्रह भी करेंगे। अभी अनशन हमने चालू कर दिया है, आज राजघाट में हमारा अनशन आज चालू हो गया है और अनिश्चितकालीन चलेगा ये। रोज़ वहाँ लोग बैठेंगे और अपनी मांग पूरी नहीं होते तक वहाँ से हटेंगे नहीं। पुनर्वास नहीं हो पाया है, पुनर्वास करने की मंशा भी तो होना चाहिए। पुनर्वास तो हो जाता, कब का हो जाता, लेकिन ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं।
पिछली सरकार ने भी उसकी मनमानी करी और वर्तमान में भी हमको ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि वो सही जो होना चाहिए, पात्र लोगों को उनके हक मिलना चाहिए, वो मिल पाएंगे। तो ऐसे में अब जो परिस्थिति बन रही है, हम उसका सामना करके निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कि लोग आज भी पात्र अपात्र का जो खेल चल रहा है सरकार और लोगों के बीच में, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? उसमें तो ऐसा है कि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ये सारा खेल इससे भी और बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि GRA जो फैसले हमारे पक्ष में देता है, शासन प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे विपरीत अगर GRA ने कोई फैसला दिया है तो GRA का हवाला देकर उसको बहुत बड़ी न्यायपालिका बताते हैं, जबकि वहाँ पर भी दलाल लोगों की भागीदारी, मतलब उनकी सहमति से वो जो चाहे फैसले करवा लेते हैं, अपात्र लोगों को उन्होंने प्लाट आवंटन करवा दिए हैं।